सर जसलीन जी ने आजमगढ़ का नाम रोशन किया है, पहले करोड़पति बने हैं एक बहुत बड़े कलाकार के प्रोग्राम में, क्या कहें? ये आजमगढ़ के लिए आज एक बहुत बड़ा दिन है। जसलीन ने जो किया और जिस तरीके से उन्होंने आजमगढ़ को पूरे देश में सम्मान दिलाया, आज मैं कहूँगा कि हम आजमगढ़ का हर एक बच्चा बच्चा हर व्यक्ति अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा होगा। और जो जसलीन जी की जो मैंने भावनाएं देखी, शिक्षा के प्रति जो इनका डेडिकेशन देखा, वो चीज़ आज के समाज की बहुत बड़ी ज़रूरत है। आज के बच्चे, जसलीन उस पीढ़ी के थे जहाँ पे बच्चे बहुत तेज़ी से मोबाइल गेम, एनिमेशन मूवीज़, इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व रहते हैं, और जसलीन उस पीढ़ी से होते हुए उन्होंने अपने जीवन का एक लक्ष्य चुना और ये साबित करके दिखाया अपने एक हार्ड कोर मेहनत से। दिन रात वो दिन में काम करते थे, रात में मेरे ख्याल से रात में पढ़ने का समय निकालते होंगे। किस तरीके से ये जब कह रहे थे तो मैं वही सुन रहा था और सोच रहा था कि जसलीन ने कितने संघर्षों के साथ इस मुकाम को पाया है। तो अगर जो जीवन में जो आप एक लक्ष्य चुनते हैं और उस लक्ष्य के प्रति जब आपका वो समर्पण भाव जीवन की हर चीज़ से परे होकर के एक पूरा केंद्रित होकर रह जाता है, तो जाहिर सी बात है जो आपने एक कॉमन सेंस की बात है कि जब आप लेंस की सारी रेज को, अगर सनलाइट है आपको प्रकाश मिल रहा है, लेकिन उसी सनलाइट को जब आप लेंस से लगा करके एक पॉइंट पर फोकस करते हैं तो फिर वो आग लगा देता है। युवाओं के लिए प्रेरणा जसलीन एक आज की पीढ़ी के लिए, आजमगढ़ के लिए ही नहीं, मैं कहूँगा कि जसलीन जैसे युवा आज की पीढ़ियों के लिए प्रेरणा स्रोत होने चाहिए और ज़रूर होंगे। जसलीन का समर्पण, जसलीन की मेहनत और जसलीन का जो निष्ठा भाव का एक शिक्षा के प्रति, वो उसी तरीके का है जिस तरीके का मैं देखता हूँ हमारे जो द्वितीय राष्ट्रपति राधाकृष्णन जी थे, जिस तरीके से हमने अपने आज की पीढ़ी को देखा है, इसको एक उन्होंने एक बड़ी लैंडमार्क, एक बड़ी लाइन खींच के रख दी है आज की पीढ़ी के लिए कि आप समर्पण भाव से किसी भी चीज़ को पा सकते हैं, और जसलीन ने इसको करके दिखाया है। उन्होंने अपनी समस्याओं को अपनी ताकत बनाई, उन्होंने अपनी पिटफॉल्स को अपनी एक चुनौती के रूप में लिया, उन्होंने कभी किसी चीज़ के लिए एक्सक्यूजेज नहीं दिए कि मेरे पास ये नहीं था, मेरे पास वो नहीं था। जसलीन ने हर चीज़ को चुना, उन्होंने अपने दैनिक जागरण न्यूज़पेपर को चुना अपने राह को पाने के लिए, मैं पढ़ नहीं सकता तो उन्होंने अखबार को चुना अपने दैनिक जागरण को अपने चीज़ों को बेहतर बनाने के लिए कि हम अपने कॉमन नॉलेज को, जनरल नॉलेज को, अपने विज्ञान के नॉलेज को, अपने कला के नॉलेज को किस मुकाम तक ले जा सकते हैं। तो जसलीन ने अपने जीवन की हर चीज़ को पाने के लिए रास्ते खोजे, उन्होंने कभी किसी चीज़ के लिए एक्सक्यूज़ नहीं दिए। जसलीन की एक सबसे बड़ी जो अचीवमेंट है वो ये है, और ये आज की पीढ़ी को सीखना चाहिए। सर मैं बोलना चाहूँगा कि ये मेरे लिए बड़ी गौरव की बात है, बड़ी खुशी की बात है कि मैं अपने आजमगढ़ ज़िले का पहला करोड़पति हूँ इस मंच का, जो पिछले 22 साल से कौन बने करोड़पति बहुत बड़ा शो है और उसको एक मिलेनियन स्टार मिस्टर अमिताभ बच्चन जी करते हैं, जो सदी के महानायक कहलाते हैं, तो वो पूरी दुनिया में फॉलो की जाती है, करोड़ों लोग उसको देखते हैं, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी और बहुत खुशी का दिन है, बहुत ही खुशी का पल है। और मैं अपने ज़िले आजमगढ़ उत्तर प्रदेश का इकलौता ऐसा कंटेस्टेंट हूँ जो 1 करोड़ की धनराशि जीता हूँ। अच्छा, ये बताइए कि आपका पारिवारिक बैकग्राउंड क्या है? मेरा पारिवारिक बैकग्राउंड सर बहुत अच्छा नहीं आर्थिक स्थिति से रहा है, मिडिल फैमिली रही है। मेरे पिताजी एक मैकेनिक हैं, गैराज मैकेनिक हैं, बुलेट मिस्त्री हैं, और मैं अपने भाइयों में सबसे बड़ा हूँ। और मेरे पीछे मेरे 4 छोटे भाई हैं, 2 बहनें हैं, मेरी शादी हो चुकी है और मेरे 2 छोटे बच्चे हैं, 5 साल का, 1.5 साल का। पढ़ाई लिखाई मेरी शुरू से, मैंने हमारे पिताजी चाहते थे कि मैं आगे पढ़ के मैं भारतीय सेना में जाऊँ, और मेरी भी इच्छा थी कि मैं एयरफोर्स ही ज्वाइन करूँ, और उसी की तरफ मैं तैयारी भी करता था। मेरी पूरी स्कूली शिक्षा यहीं नवीन सरस्वती विद्या मंदिर से हुई है, फिर शहर से मैंने 9th और 10th किया और 11वीं 12वीं पास किया। फिर जब मैं DAV पढ़ने के लिए जब मैंने इंटरेस्ट दिया तो मेरे पिताजी गुस्सा हो गए, नाराज़ हो गए कि तुम वहाँ पर पढ़ने जाओगे जो अच्छा इस कॉलेज नहीं है। तो उन्होंने मुझे प्रेशर दबाव बनाया कि नहीं, अगर पढ़ना है तो तुम इलाहाबाद जाओ। मैं इलाहाबाद गया और मैं इविंग क्रिश्चियन कॉलेज में BA के लिए अप्लाई किया, वहाँ पर पास हुआ और रजिस्ट्रेशन एंट्रेंस टेस्ट दिया, पास हुआ।
और मैं बीए कर रहा था फर्स्ट ईयर, लेकिन मेरी अचानक इतनी तबीयत ख़राब हो गई बहुत ज़्यादा कि मैं 3-6 करीब 5-6 महीने बहुत ज़्यादा बीमार था। मेरे पेट में ट्यूबरक्लोसिस का लीवर इन्फेक्शन की वजह से हुआ था। तो वो कहीं कहीं मेरी पढ़ाई बहुत अच्छी नहीं पड़ी, तो मैं वहाँ पे अपना मेरा पहला पेपर अच्छा हुआ, लेकिन दूसरा पेपर मेरा गड़बड़ होने की वजह से मैंने ड्रॉप कर दिया। फिर भी मैं अपने मन में पढ़ाई के लिए बड़ा इच्छुक रहता था, तो और मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय में मैंने दोबारा एंट्रेंस दिए फिर मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय में बीए करने के लिए फिर मैं पढ़ाई के लिए एडमिशन लिया। तभी मेरे घर में मेरी सिस्टर जो थी, मुझसे छोटी, उनकी शादी तय हो गई, और शादी में कुछ हम लोगों ने बहुत ज़्यादा मतलब घर की स्थिति ठीक नहीं थी, पैसे बस काम चल रहे थे, सबका पढ़ाई लिखाई घर का अपना, तो उसमें कुछ कर्जे लेने पड़ गए मेरे पिताजी को शादी के लिए मेरी बहन के लिए, तो उसमें जो कर्ज लिए बहुत ज़्यादा हो गया कर्ज, करीब उस समय करीब बहुत बड़ी रकम थी 50-60 हज़ार। तो वो कहीं ना कहीं अपने इकलौते मेरे पिताजी कमाने वाले थे और वो मुझे सर प्रोवाइड नहीं कर पा रहे थे आजम इलाहाबाद में मेरे खर्च को, मेरे रूम, मेरे पॉकेट खर्च वगैरह को। पढ़ाई वो मैं एक बड़े होने के नाते मैं बहुत ही टेंशन में रहता, तनाव में रहता था, क्योंकि मैं बचपन से बहुत ही सेंसिटिव भाव मेरा रहा है। मैंने पारिवारिक और सामाजिक में जीवन में ही मेरा, मैं अपने आप को सोचता हूँ कि फिर आपने खुद जॉब करने के सोचा? फिर मैं जॉब करने के लिए ट्राई किया, कोशिश किया, लेकिन इलाहाबाद में कोई जॉब नहीं मिली। फाइनली मैं वो जॉब मैंने पढ़ाई छोड़नी पड़ी और मैं दिल्ली चला गया, फिर प्राइवेट कंपनी में काम करने लगा। अचानक 2011 में एक मैसेज आता है कि आप एक रजिस्ट्रेशन करिए और करोड़पति में मतलब भाग लीजिए। वो दिन मेरे लिए एक ऐसा हुआ जैसे कोई चमत्कार जैसा हुआ, और मैं उस दिन से सर मैं आपको रियली बताऊं मैं लग गया एकदम कंटिन्यू कि बस अब मंजिल मिल गई है मुझको। और 12 साल बीत भी गए पता भी नहीं चला, लेकिन फिर भी मैंने अपनी उम्मीद और अपनी हाँ कोशिश नहीं छोड़ी थी। वर्तमान में आप क्या कर रहे हैं? अभी मैं एक रिटेल सेक्टर है, कपड़े का गारमेंट है, शोरूम है, वहाँ पे काम कर रहा था। हालांकि मैंने रिजाइन डाल दिया क्योंकि मुझे ये ज़रूरी था, मेरे पास टाइम नहीं था, पढ़ाई करना था और मेरे जीवन का सबसे बड़ा मकसद था। नौकरी तो मैं कभी भी कर सकता था क्योंकि प्राइवेट सेक्टर की जॉब थी, तो वो मेरे लिए बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट नहीं था। मेरे लिए सबसे बड़ा मेरे जीवन का इंपॉर्टेंट केबीसी था, तो केबीसी के लिए मैंने जॉब छोड़ा। इस धनराज का सर मेरा घर कच्चा भी है और थोड़ा पक्का भी है, तो सबसे पहले मेरा जो घर कच्चा है उसको थोड़ा सही करा के रूम वूम बनवाऊँगा। बाकी एक छोटा सा स्टार्टअप डालूंगा अपने लिए कि एक अपना छोटा सा बिजनेस स्टार्ट करूँ, और मेरे जो बच्चे हैं दो बेटे ही रखूँगा अपने, और उनके जो शिक्षा में जो पढ़ाई में जो खर्च होगा वो उनको जो मैंने कंप्रोमाइज़ किए हैं अपनी लाइफ में अपने शौक अपने शिक्षा को लेके, वो शायद मैं कंप्रोमाइज़ नहीं करूँगा उनके लिए, और उनको कोशिश करूँगा कि उनको आगे पढ़ाऊँ लिखाऊँ। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी, अपने स्मार्ट टीवी पर यूट्यूब पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भी, निरंतर।